तो भाई ऊपर आ गए थे, मौसम अभी खुला है। पहले तो थोड़ी ठंडा मौसम था, अभी धूप निकलनी शुरू हुई है, तो जल्दी से देखते हैं बच्चे अपने सेट है कि नहीं है। पहले ग्रोबर को निकालते हैं, उसके बाद ही चेक कर पाएंगे ना। भाई मेरे पे इसके 6 अंडे हैं और ये यार ऐसे कुड़क हो गई तो यार बहुत कलर हो जाएगा। लो भाई, जो कल बच्चा निकला था ना वो वाला बच्चा है, एकदम सेट है। ये अपना स्लेटी का बच्चा है लाखे के साथ, इसलिए वाइट नॉक ना लिखा है ये भी। अब दिखेगा आपको अच्छे से। बाकी यार सारे अंडों में बच्चे बने हुए हैं पर निकले नहीं अभी तक। मैं एक दो दिन और रख के देख रहा हूँ, शायद निकल जाएंगे। बाकी चेक करो, अभी देखो लाल स्लेटी बनना चाहिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये। बाकी देखते हैं जब बड़ा हो जाएगा ना थोड़ा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आपने देख ही लिया अपने किंग और स्लेटी का बच्चा जो एक निकला हुआ है, मेरे ख्याल से वो लाल स्लेटी बनेगा, ठीक है, जिस हिसाब से उसका रंग है अभी। और भाई एक बच्चा और निकला हुआ है पर उसके नीचे से थोड़ा सा कुछ हुआ है, वो भाई पूरा मतलब प्रॉपर स्लेटी रंग उसमें अभी भी दिख रहा है। और 4 अंडे और पड़े हैं भाई, देखो निकलते हैं कि नहीं। अगर निकल जाएंगे तो भाई बढ़िया है, एक बच्चे के साथ वो क्या घूमेगी यार। उस बच्चे को किसी और बच्चों के साथ मैं कर भी नहीं सकता क्योंकि बहुत डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए ना। ताकि मैं सोच रहा हूँ 2-3 बच्चे निकल जाए ताकि वो घूमती रहे बेचारी आराम से, उनको लेके है कि नहीं। बस खुराक निकाल ली थी, पट्टे भी तैयार है खाने के लिए, बस इसमें अंडा मिक्स करना है और इंजीर है इनके लिए। वो देखो उधर घूम रहे हैं। तो गाइस खुराक मैंने इसको खिला दी थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ जो मतलब किसी किसी को आदत नहीं होती ना, जैसे आपके वाले अगर इस खुराक को नहीं खा रहे ना तो आपको क्या करना है, पाइया घी लेके ना उसमें इसको अच्छे से ना राड़ लेना है, जैसे पंजीरी बनाते ना वैसे, जैसे ब्राउन जैसे ही ब्राउन ब्राउन हो जाएगा ना सारा तो निकाल लेना, फिर उसके बाद ये लोग अच्छे से खा लेंगे, फिर खुद ही खा लेंगे अगर नहीं खाते ऐसे तो, ठीक है। हमने इस बार घी नहीं ऐड करा, हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं क्योंकि हमारे वाले खा लेते हैं। बाकी है अपना सुल्तान। तो ये रे भाई पट्टे सारे। तो ये कुत्ता का बच्चा था वो, जिसने अपने ना प्रिंस वाला बच्चा था ना जो मार दिया था, ये अभी इतना छोटा बच्चा है, इसको मैं क्या बोलता आप खुद ही बताओ। मेरे को मैसेज में बोल रहे थे कि भाई इसको मारते, क्या मारूं भाई, इतना छोटा सा बच्चा है अभी ये खुद। ये तो अपने समझदार है कालू। हाँ कालू, ये तो समझदार है यार, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखो कहाँ मेरी जेब में घुस रहा है, ये था वो वैसे, ठीक है। छोटा सा बच्चा, इसको मैं क्या बोलता, ठीक है। से पता लग गया वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो ऊपर ही है, अभी इनको भी लेके चलते हैं। उससे पहले ना गब्बर वाले बच्चे खोल देते हैं। एक सेकंड खुल जा सिंह भाई, सेफ्टी जरूरी है अब। ये देखो शैतान कैसे आएंगे, देख रहे हो भाग जाते हैं एकदम से। आज इन्हें लेके चलेंगे भाई नीचे, चेक करो। ये पट्टी अपनी कुड़क हो चुकी है, ये अपनी गब्बर वाली पट्टी है, ये कुड़क हो चुकी है। इसके एग्स तो हमने खा लिए थे, अभी किस पे बिठाएंगे इसको देखते हैं। अगर कोई नहीं बैठी ना उसके एग्स पे इसको बिठा देंगे हम। हमारी ना 3 मुर्गियाँ कुड़क हो गई है। एक तो ये पट्टी जो मैंने अभी आपको दिखाई, एक चीनी पट्टी है अपनी, ठीक है, जो वाइट लेग वाले के साथ थी। और तीसरी है अपनी पीली पट्टी, जो जिसको मैं काली मिट्टी वाली पट्टी बोलता ना, वो भी अपनी कुड़क हो चुकी है। आज 2 मुर्गियाँ तो मैं बिठा ही दूंगा, ठीक है, और तीसरी देखते हैं, इसको देखूंगा। अगर गंजी ने जल्दी से 7-8 अंडे भी दे दिए ना तो मैं इसको बिठा दूंगा उसके अंडों पर, क्योंकि गंजी के अभी ऑलरेडी 5 हो चुके हैं। अभी शायद से एक दे रखा होगा, कल तो उसने दिया नहीं क्योंकि अभी शायद होना चाहिए, तो चलो देखते हैं। तो मैंने ना अभी इनको अपना जो कल मैं वो लेके आया था ना, क्या बोलते हैं उसको, अपना फीड में ना चोकर मिक्स करके दिया है। खुश होकर खा रहे हैं दोनों चीज़ों को ये, क्योंकि फीड कम है, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा 1-2 दिन में लेके आऊँगा, तब तक मैंने सोचा है सबको देनी है ना, तो सिर्फ एक चूज़ों को दे के क्या फ़ायदा है, सबको दूंगा, थोड़ी थोड़ी दे दूँ चाहे सबको दूंगा। चोकर भी खा रहे हैं साथ में, फीड भी खा रहे हैं, तो सही है ना, दोनों चीज़ खा रहे हैं एक बार में। ये देखो अभी खोले ही थे मैंने, जस्ट 2 मिनट हुए और इन्होंने पूरे फुल हो गए हैं खा के। आज हवा चल रही है भाई ठंडी एकदम से। अभी भाई चीते को खोला था, देखो अंडा लेके वहीं बैठी हुई है, वो ऊपर ही बैठी पड़ी अभी भी। पहले तो अंडा उठा लेते, कुड़क हो गई, क्या हो गया भाई,
छह अंडे देके कूड़े कौन होता है यार, ऐसा मत कर यार। भाई मेरे पास के छह अंडे और ये यार ऐसे कूड़े हो गई तो यार बहुत गलत हो जाएगा, बहुत कम है। इसको उठाता हूँ, इस अभी नहीं बैठने दूंगा। एक दो अंडे ना कुड़क में ही दे देगी। आठ अंडे तो हो कम से कम, है कि नहीं यार? यही होता है जो ज़्यादा बढ़िया मुर्गियाँ होती है ना, छः अंडे सात अंडे यही देती हैं। अब मैं इसको आज तो नहीं बिठाने दूंगा, ठीक है? कम से कम दो दिन और रुकूंगा। एक एक करके अंडा तो एक और दे ही देगी, दो अंडे और देंगे, आठ अंडे हो जाएंगे तो फिर बहुत हो जाएगा यार। तो ये चूजे तो अपने आ गए नीचे, अभी अपने वो रह गए हैं दूसरे, जो तीन बच्चे हैं ना बड़े वाले, जिसके साथ प्रिंस वाला बच्चा था, तो उन्हें भी लेके आते हैं और नीचे खोल देते हैं। और ये रहे बाकी यार, ये रहा एक, ठीक है? और बाकी सारे के सारे गेट के आगे खड़े पड़े हैं। ये अपना कौन है? सुल्तान है। इसको भी देखते हैं भाई, एक आधे दिन में ना इसको भी बिठा देंगे अंडों पे, अपनी पीली को। बाकी ये रहे अपने, इसी मुर्गी के बच्चे हैं ये, पर चीने के बच्चे हैं ये अपने। ये चिट्टू है अपना, जो धीरे धीरे लाल होता जा रहा, थोड़ा थोड़ा सा पंख से देखो। तो भाई सारे के सारे आप देख सकते हो यहीं पे आके बैठ जाते हैं, ठीक है? और ये वाले भी अपन ने बच्चे नीचे खोल दिए। और उसको देखो भाई, तब से ना यहीं खड़ा था, निगासी थी। इस बार अगर इसने कुछ किया ना भाई, बहुत पिटेगा ये इस बार। बाकी देख लो, इसे बांग देने की पड़ी, बांग दे रही है अपनी ये वाली मुर्गी। अभी फ़िलहाल ना मैंने चोबर को, जैसे कि आपको पता है, इसके साथ लगाया हुआ है, तो अभी इनका 50% ब्लड सेम है। तो अगर इनके बच्चे आ जाए ना, तो 75% ब्लड सेम हो जाएगा इनका। और वो ब्लड में देखेंगे अपन, जो चोबर का मतलब फादर है ना, उसका ब्लड बनेगा और देखेंगे कि कैसा आएगा, ठीक है? रिजल्ट, चोबर अपना साल प्लट हो चुका है, पट्टी भी अपनी साल की होने वाली है, तो उस हिसाब से बच्चे ठीक आएंगे, कोई वो नहीं है। और ब्लड इनका भाई दोनों का गर्म है ना, तो भाई तेज ब्लड के बच्चे आ सकते हैं। बाकी मुर्गी तो आपको पता ही है भाई कितनी क्वालिटी में है। चेहरा बहुत अच्छा लगता है भाई मेरे को, इसका फेस कट है ना जो बहुत अच्छा लगता है। बाकी चोबर का तो आपको पता ही है, अभी टोटल तीन बच्चे हैं, बाकी सारे अंडे खराब हैं। तीन बच्चे उसके नीचे, मतलब हाथ से निकालने पड़े हैं, बच्चे निकल नहीं पा रहे थे, बच्चे अंदर जिंदा थे, ठीक है? तो हमने हाथ से निकाले हैं। सीन क्या हुआ भाई, जो मैंने आपको बोला था ना, बारिश हो गई थी, बिजली कड़क गई, तो उसकी वजह से ना अंदर से बच्चे डर जाते हैं ना जब, तो वो निकल नहीं पाते। तो उसी चक्कर में वो दो दिन, आज तीन दिन ऊपर हो गए थे, हमने तो खुद निकालने पड़े हैं। तो अभी निकाल के रखे हैं, आँखें वगैरह सब खोल रहे हैं, चू 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 कर रहे हैं, अभी उसको रखा है। अगर मुर्गी ने अच्छे से सेक दिए फिर तो भाई बच्चे एकदम सेट हो जाएंगे, जैसे पहले वाला बच्चा हमने निकाला था वैसे ही वो भी है। बस मुर्गी के ऊपर है, मुर्गी अच्छे से उनको सेक देगी ना तभी बच्चे बचेंगे। अब देखते हैं। तो भाई मैंने ना पानी में टट्टा मशीन डाली थी बच्चों के लिए, थोड़े से वीक से हो रहे थे ना एक बच्चे में, वो सबसे उधर वाला जो मेरी उंगली की सेहत पे है। बाकी सब लोग बैठ गए हैं, ये देखो घूम रहे हैं, बाकी कई उस साइड होंगे। बाकी मौसम ठंडा हो रहा है, थोड़ा टाइम में इनको ना बंद कर देंगे बस अब सीधा। भाई गब्बर अपना खुला था, ठीक है? मैंने जो वाइट लेग वाला ना अपना चिट्टू वाला, उसको भी खिला के फुल कर दिया, अभी गब्बर भी खा के फुल हो रहा है। बाकी इधर है अपना किंग, ठीक है? और सॉरी इधर तो अपना चोबर है, एकदम से निकलेगी। अच्छा हाँ, आज सच ना इसके अंदर चला गया था अपना किंग मस्ती लेने के लिए, मिट्टी है ना इसके अंदर, मस्ती ले रहा होगा वो। ये देखो पूरा मिट्टी मिट्टी का रखा है, देख रहे हो अंदर, इसके अंदर मिट्टी ले रहा है, मतलब मस्ती ले रहा है। और ये जो अपनी कुड़क पट्टी है वरी, इसको खोला था अभी क्योंकि गजनी ऊपर आ गई थी, तो मैंने इसी के खुड्डे में कर दिया, उसने अंडा देना होगा तो वो अंदर जाके बैठी है अभी। देखते हैं उसको कर क्या रही है वो। बाकी वो बैठी है, देखो दिख रही है, वो तो ऐसे बैठी है जैसे खुद कुड़क होगी भाई, इसका अंडा खींच के लेगी वो तो अंडा, देखो अंडा खींच के लेगी। ये पट्टी भी अपनी कुड़क हो गई भाई, पट्टियाँ अब सारी इस वक्त कुड़क हो रही है, जब मुझे ज़रूरत थी उस टाइम पे कोई कुड़क नहीं पड़ रही थी, देख रहे हो? सारे अंडे ख़राब हो गए यार तब, अभी जब मुझे ज़रूरत थी तब कोई कुड़क नहीं पड़ी। आपको पता है जैसे कि मैं लेके आया था पट्टी, जो उसने सारे अंडे ख़राब करवा दिए, सारे बर्बाद कर दिए। एक बच्चा तो बिल्कुल सेफ़ है, दो बच्चे जो निकले हुए हैं उनका भी कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि मैंने दोबारा देखा नहीं है, ठंड भी इतनी हो रखी है यहाँ पर आज। वो देखो एक, उसे तो पहले पड़ जाती तो भाई अपने घर की पट्टियों पर इतना तो है कि बच्चे निकाल लेती हैं, बाहर वाले का तो क्या ही विश्वास करेंगे। चलो अभी जो हो गया सो हो गया, उम्मीद तो नहीं आ रही है इस बार ऐसा बनना है, मतलब नहीं बना तो अगली बारी भाई कि आप तब इससे भी ज़बरदस्त बन जाए,
जो बनने थे उससे जबरदस्त बन जाए। बाकी जब स्लेटी वापस आएगी तब वापस किंग के साथ लगा देंगे, देखा जाएगा।